अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, जो टेस्ट दिया गया है उसमें जो सवाल आए थे उसके सही जवाब क्या है हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हर हफ्ते हमारा ये टेस्ट हो रहा है और आप लोग जो है काफी अच्छे नंबर भी इसमें हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी क्या करना है हमको, ये हर बार की तरह इसको फील करना है और ये जरूरी है। आप बोलेंगे सर हर बार फील करना पड़ रहा है, तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, नाम लिखना है और सही नाम लिखना है। स्कूल का नाम लिखना है और फिर उसके बाद व्हाट्सएप नंबर लिखना है और आखिर में, अरे ये नहीं, क्या क्या ये मैंने वही तो लिख दिया है ना नंबर, मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे 8087503524। ठीक है, और ये बराबर देखकर भरना है वरना इस तरह की कोई गलती हो सकती है, जैसे भी हुई। ठीक है, जब लो इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट करेंगे तो हमारा सवाल पर्च हमारे सामने आ जाएगा और हमारे 25 सवाल थे, इसमें हर सवाल के दो नंबर आते हैं। ठीक है, चलिए हम यहां से शुरू करेंगे। क्या सवाल है, ज़ेल के जली हुर्फों में हम मानी अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें से सही मुतबादिल का इंतखाब करके लिखिए। सूरज, सूरज के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां हमको जवाब करना था आफ्ताब, क्योंकि कमर महताब चांद के लिए इस्तेमाल होते हैं, सैयारा एक अलग चीज है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, आफ्ताब पहला सही जवाब है। सूरज और आफ्ताब जो है हम मानी अल्फाज है, आफ्ताब को भी सूरज कहा जाता है, सूरज को भी आफ्ताब कहा जाता है। ज़ेल के अल्फाज के हम मानी अल्फाज लिखिए, बहुत सीधा बोले तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, फरसूदा, बेहद, बेमिसल, बगावत, ये गलत है। सही क्या है, फरसूदा, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत सीधा बोले तो टूट फूट जाना, खराब हो जाना है ना, बहुत खस्ता हाल हो जाना। ज़ेल में हम मानी अल्फाज की गलत जोड़ी पहचानिए, यहां याद रखिए कि गलत जोड़ी पहचानना है हमको, इस बात को हमको अच्छी तरह से समझ लेना है, वरना आप पहले पर जाएंगे और बोलेंगे यही दिख रहा है, चलो टिक कर देते हैं। ठीक है, तो गलत जोड़ी देखना, सजावट, तज़हीर, ये सही है। कैद खाना, वो भी हम मानी अल्फाज किया, कैद खाना, जेल, ये भी सही है। अफसाना, किस्सा, ये भी सही है। डर, परेशानी, दोनों एक चीज नहीं है, ये हम मानी अल्फाज है क्या, तो ये नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए, तस्वीर की जगह मुनासिब हम मानी लफ्ज का इंतखाब कीजिए। तस्वीर किस चीज की है, यहां पर कौवा दिखाई दे रहा है ना, क्या दिख रहा है, कौवा। हाँ सर, कौवा क्यों, तो मछली है ना, सही पहचान है, मछली है। यहां एक मछली दिखाई गई है, पानी में रहने के बावजूद बदबूदार होती है ना, तो यहां इसका नाम हमको लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो क्या कहते हैं मछली को इनमें से, आग, आग बोले तो पानी, मा, इसका कोई मतलब नहीं, ये हमजा लगा, जल बोले तो पानी, ये माही, माही बोले तो मैंने आपको बताया था कि माही मछली को कहते हैं। ठीक है, माही बोले तो मछली, कितने नंबर पर है, तो ये दूसरे नंबर पर है। ज़ेल के जली हुर्फों में दिए हुए लफ्ज के हम मानी लफ्ज ना हो, क्या बोला है, हम मानी लफ्ज ना हो, मुतबादिल से इस तरह के लफ्ज तलाश कीजिए। जुल्म, जुल्म, सितम, ये हम मानी है, जुल्म, जफा, ये भी हम मानी है, जोर हम मानी है, मारधाड़, मारधाड़, ये क्या है, ये उसका हम मानी नहीं है, इसलिए ये कौन सा सही जवाब रहेगा, चौथा। ठीक है, जली हुर्फों में लिखे हुए अल्फाज की जिद मुंतखब कीजिए। शुक्रगुजार, इसके इस लफ्ज की क्या करना है, जिद, अपोजिट वर्ड हमको लेना है, तो शुक्रगुजार का क्या रहेगा, इनायतमंद, मेहरबानी, ना शुक्रा, शुक्रिया, तो क्या रहेगा, ना शुक्रा, तीन नंबर का ऑप्शन सही है। ज़ेल के मुतजाद अल्फाज की जोड़ियों में गलत जोड़ी पहचानी है, यहां हमको मुतजाद अल्फाज दिए हुए हैं और उसकी गलत जोड़ी पहचानना है, तो तरक्की और जवाब, ये मुतजाद अल्फाज की सही जोड़ी है।
मुनासिब नामुनासिब ये भी सही जोड़िए, मेहनती जफाकश कामयाब नाकाम ये भी सही जोड़िए, ये भी सही है ये भी सही है। गलत जोड़ी क्या है? मेहनती और जफाकश। मेहनती और जफाकश हम मानी अल्फाज है ना, जफाकश को भी मेहनत कहते हैं, तो गलत जोड़ी कौन सी हुई? ये हुई। इसलिए हमारा जवाब क्या बनेगा? तीसरा ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, आपको लगा होगा कि ये सवाल ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, लेकिन इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। मुतजाद अल्फाज की जोड़िया लगाइए और मुनासिब मुतबादिल लिखिए। मुतजाद अल्फाज की जोड़िया लगाना है और इनमें से पहचानना है कि सही मुतबादिल कौन सा होगा। कदीम, कदीम की क्या आएगी? जदीद, दाल। यहाँ देखो चेक करना है पहले का दाल है क्या, तो जीम बे अली दाल। यहाँ चौथे पर एक ही ऑप्शन ऐसा है, चार मुतबादिल में से चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले का दाल है, इसका मतलब वही सही जवाब है। अब चारों को देखने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता मैं आपके इत्मीनान के लिए आगे के भी चेक कर लेता हूँ। किल्लत कसरत अलीफ, ठीक है, कसरत। किल्लत का मतजाद क्या है? कसरत है। अदना आला आला है ना, क्या है? आला। तरक्की जवाल, तरक्की का देखो यार क्या होगा यार, आला लिखे हमने उसका बे आना था ना, और यहाँ क्या किए जीम, ठीक है जीम आएगा। तो दाल अलीफ बे जीम, दाल अलीफ बे जीम, ठीक है, ये हमारा सही जवाब है चौथे नंबर का ऑप्शन, चौथे नंबर में। दर्ज झेल जुमलों में खतकशीदा अल्फाज की जिद से खाली जगह पूर कीजिए। गंगापुर गांव में खानदा अफराद 938 जबकि 72 अफराद, खानदा का उल्टा जिद देखना है ना, अपोजिट देखना है, अनाड़ी बेल होशियार ना खानदा, क्या है? तो अनाड़ी तो नहीं होता खानदा का जिद, बेल में भी नहीं होता ना खानदा होता है, तो कितने नंबर का ऑप्शन सही रहेगा? तीसरे नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। खाली जगह मुनासिब मुतबादिल हुरूफ का इस्तेमाल करके बामानी अल्फाज तैयार कीजिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ बामानी लफ्ज बनाना है, अगर अलिफ लगाएंगे तो क्या होगा? शार, शार पहले इसमें गलत हो जा रही है, तो क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट कर दें। अब ये वाले ऑप्शन को लेते हैं, जीम लगाएंगे तो क्या होगा? शजर, सही आ रहा है। वाव लगाएंगे यहाँ तो क्या होगा? शोर, ये भी सही है। हा लगाएंगे तो क्या होगा? शहर, क्या होगा? शहर, ये भी सही है। और यहाँ ये लगाएंगे तो शेर, क्या बनेगा? शेर, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है, तो हम जो है दूसरे को टिक करेंगे। ये सवाल देखिए, ज़ेल में से कौन सा एक हर्फ इस्तेमाल करने से मुअम्मे के अल्फाज बामानी हो जाते हैं? तो यहाँ हमको वहम, वहम अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस तरह का वहम नहीं आता है उसमें, दूसरा ही आता है, ठीक है। यहाँ देखिए शहम, नहीं ये भी नहीं बनेगा, रे, तो रे लगा कर देखो, रहम, हाँ ये बनता है, रफीक रमक रसद, इसका मतलब ये सही है। यहाँ क्या लगेगा? रे, ठीक है। कितने नंबर का ऑप्शन सही है? तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, तो तीसरे को टिक करेंगे। ये देखिए, खाली चौकोर में सही मुतबादिल का इस्तेमाल करके बामानी अल्फाज लफ्ज बनाइए। तो यहाँ हमको अलिफ लगाकर देखो पहले, तो चमा हो जाएगा, चमा लफ्ज बनेगा क्या? नहीं, ये रवा, ये दमा, ये सरा, ये दो एक तो बनेंगे लेकिन बाकी नहीं बनेंगे। काफ लगा के देखिए तो चमक, ये बनेगा रोक, ये बनेगा दमक, ये बनेगा सड़क, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है ना। वहां पर क्या लगेगा? तो लगेगा चमक, रोक, दमक, सड़क, इस तरह से बन जाएगा। ज़ेल के चौकोर में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि उमूदी और उसकी तरतीब बामानी तैयार हो? ठीक है, तो यहाँ जो है क्या लगा सकते हैं हम? देखो यहाँ अलिफ लगाएंगे तो हिफाजत हो जाएगी है ना, और जो इस तरतीब में क्या होगा? उमूदी तरतीब में अलिफ लगाने से असलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असलम। इसलिए कितने नंबर का ऑप्शन सही रहेगा अलिफ लगा रहे तो? चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। सही जोड़ अल्फाज बनाने के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जोड़ अल्फाज बनाना है तो क्या करेंगे? यहां से हमको जोड़ लफ्ज बनाना है, धन,
तो धन दौलत कहते हैं, इसका मतलब यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है, धन दौलत है ना, धन रुपया, धन पैसा, धन माल कहते हैं क्या? हम नहीं कहते। कितने नंबर का ऑप्शन है? दो नंबर का। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ज़ेल के अल्फाज में मरकब लफ्ज तलाश करो। भीड़ बिगाड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ भाड़, भीड़ कर दी, तो क्या है सही? तीसरे नंबर का सही, भीड़ भाड़ मरकब लफ्ज है, बाकी अल्फाज जो है वो मरकब नहीं है। सही जोड़ अल्फाज बनाने के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। रिश्ते, मैंने आपको बताया था कि रिश्ते के साथ क्या जुड़ता है? नाते, ताल्लुक, ताल्लुकात, निस्बत, ये नहीं आएगा। रिश्ते नाते सही है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन रहेगा। फसाद होने के बाद दी हुई तशबीह के लिए जेल के मुतबादिल में से सही लफ्ज का इंतखाब कीजिए। फसाद होने के बाद सियासी रहनुमा क्या इस्तेमाल होगा? छुप छुप कर आंसू बहाते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, गम के आंसू बहाते हैं, ये भी नामुमकिन सी बात है, गम के आंसू बहाने हो, हमदर्दी के आंसू बहाते हैं, ये भी गलत बात है। हकीकत क्या है कि मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, और इसमें कोई कोई शक की बात भी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, अपनों उस पर शरे सदर हासिल है इस बात पर। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। सही जोड़ अल्फाज बनाने के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। काम, काम जोड़ अल्फाज बनाना है तो काम काज है ना, ये बताया था मैं आपको, काम काज क्या बनेगा? काम काज बनेगा, काम नाम नहीं बनेगा, काम अमल नहीं बनेगा, काम वाम भी नहीं बनेगा, काम काज बनेगा। कितने नंबर का ऑप्शन है? तीसरे नंबर का। हमने इससे पहले वाली ऑप्शन ठीक ही सही बोला। हाँ चलो, खाली जगह मुनासिब इस्तेमाल का इस्तेमाल कीजिए। फजूल खर्ची करने वाले को डेट डैश भी कम पड़ता है। बेहिसाब दौलत, निजाम का खजाना, लाखों की दौलत, कारून का खजाना, तो इसका क्या रहेगा? कारून का खजाना, उसको फजूल खर्च करने वाले को कारून का खजाना भी कम पड़ता है, कितनी भी दौलत दे दो उसको, उसके लिए वो कम ही होगी। सवाल बढ़िए। दीनी तस्वीर के लिए जेल के मुतबादिल में से सही लफ्ज का इंतखाब कीजिए। इंतखाब करना है सही लफ्ज का। शद्दाद की जन्नत, शद्दाद की जन्नत के लिए क्या सही मुतबादिल होगा? तो अहमको की जन्नत, शद्दाद की जन्नत बोले अहमको की जन्नत, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। खाली जगह मुनासिब इस्तेमाल का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग झूठी बहादुरी जाहिर करने के लिए अपने आप को क्या कहते हैं? तीस मार्खा है ना, तीस मार्खा समझते हैं अपने आप को, क्या समझते हैं? तीस मार्क का समझते हैं, ये बात मैंने आपको समझाया था। जेल में दिए गए अल्फाज के मजमुए और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले एक लफ्ज की तरह की जोड़ियां दी गई है, इनमें से गलत जोड़ी का मुतबादिल तलाश कीजिए। क्या करना है? गलत जोड़ी का मुतबादिल तलाश करना है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं हम, यहां पर हमको क्या करना है, इस बात को ख्याल रखिए कि क्या कहा गया है, अल्फाज के मजमुए के लिए, मजमे और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले एक लफ्ज की तरह की जोड़ियां देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ गलत जोड़ी पहचान है। रियासत के लोगों को क्या कहा जाता है? अवाम। सही जोड़ी है, रोजाना शाया होने वाला अखबार रोजनामा कहलाता है। दिल को खुशी देने वाली बात, देने वाला खुश, दिल खुश नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता, शायरी करने वाला शायरी से कहा। इसका मतलब गलत जोड़ी कौन सी है? दो नंबर का ऑप्शन गलत जोड़ी है ना, उसको दिल खुश नहीं कहते। अगले सवाल पर आ जाओ। जिस जगह पैदाइश हुई वो मकाम, इस मजमुए के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्या कहते हैं जिस जगह पैदाइश हुई उस मकाम को? जाए वकू कहते हैं क्या? जाए पैदाइश, जाए फल, जाए हादसा, उसको कहते हैं जाए पैदाइश। जाए फारसी जुबान का लफ्ज है, जगह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल। यहां देखिए, अल्फाज के मजमुए से ताल्लुक रखने वाले मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अगर कपड़ा बुनने वाला जौलाहा कहलाता है तो डेडेश, डेडेश रंगरेस, रंगरेस कौन होता है? कपड़ा फरोख्त कर, कपड़े फरोख्त करने वाला, कपड़े ईजाद करने वाला, कपड़े का अमल करने वाला, या कपड़े कपड़ा रंगने वाला, कौन होता है? तो वो कपड़ा रंगने वाला होता है। कपड़ा रंगने वाले को क्या कहते हैं? रंगरेस। हाँ, ये सवाल देखिए, आखिरी सवाल है ये। साहिल, ये लफ्ज जेल में से, जेल में दिए गए किस फिक्र के लिए इस्तेमाल होगा? मुतबादिल से तलाश कीजिए। नसीहत करने वाला, सवाल करने वाला, सोने के जेवरात बनाने वाला, इंसाफ करने वाला। तो साहिल बोले तो सवाल करने वाला है, नसीहत करने वाले को क्या कहते हैं?
नाज से कहते हैं। सोने के जेवरात बनाने वाले को क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं ना। इंसाफ करने वाला मुंसिफ होता है, सवाल करने वाला क्या होता है? साहिल होता है। ये दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ फिर अब हमारे सवाल मुकम्मल हो गए, तो हम क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से देखना, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, आप अगर एक्यूरेसी चेक करना है आपको, आपने किस सवाल का क्या जवाब दिया था, तो आप दोबारा से जाकर उस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा ये पर्चा मुकम्मल हुआ। ये हमारा छठा सातवां गालिबन ऑनलाइन टेस्ट है, और जो बच्चे हर मरतबा के टेस्ट दे रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, है ना। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी है जो कभी दे रहे कभी नहीं दे रहे, तो फिर वो लोग अपने डेवलपमेंट में कभी महसूस करेंगे। इस तरह से वो सही मैच नहीं कर पाएंगे, सही स्टडी नहीं कर पाएंगे, और इम्तिहान के वक्त में कुछ मुश्किल पेश आ सकती है ना। तो क्या करें कि जो टेस्ट हो रहे हैं वो पाबंदी से दीजिए, उस पर अच्छी स्टडी कीजिए और पाबंदी से दीजिए। सिर्फ जितने वीडियो बता रहे उतने पर इक्तफा ना करते हुए और भी स्टडी कीजिए, किताबों से भी स्टडी कीजिए। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैर।